बिग बॉस OTT3 की विनर बनी सना मकबूल का नाम स्टेज पर विनर के तौर पर लिया गया तो एक्स कंटेस्टेंट इससे खुश नहीं थे। किसी ने भी उनके लिए तालियां नहीं बजाई थी। इतना ही नहीं, कोई उठकर स्टेज पर भी नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सना मकबूल ने उस दिन का दर्द बयां किया। सना मकबूल को इस बात का दुख है कि जब विनर के तौर पर उनका नाम अनाउंस हुआ तो शो के एक्स कंटेस्टेंट ने ताली तक बजाने की जहमत नहीं उठाई। वो कहती हैं, जब मैं स्टेज पर थी तो मैं अपनी ट्रॉफी को अपने दोस्तों के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं शिवानी, लवकेश और विशाल को बुला रही थी लेकिन वो नहीं आ रहे थे। शिवानी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें स्टेज पर ना जाने के लिए कहा गया है। शायद मेकर्स मेरी जीत के पल को कैद करना चाहते थे, लेकिन मुझे बुरा लगा कि जब मेरा नाम विनर के रूप में अनाउंस किया गया तो एक्स कंटेस्टेंट्स ने मेरे लिए तालियां भी नहीं बजाई। मुझे इस बात का दुख हुआ कि बीती बातें भूल जाइए, अब लड़की जीत गई है उसके लिए खुश होइए, लेकिन कोई नहीं था। वो कहती हैं, उनके लिए विनर कोई और था और मेरे लिए सिर्फ वो तीन लोग, मुनीशा जी और सना सुल्तान खुश थे। बाकी कंटेस्टेंट के लिए मैं विनर नहीं थी और मुझे समझ में आया कि शायद मेरे लिए मायने रखने वाले लोग खुश थे, जैसे मेरी माँ, बहन, विशाल, लवकेश, नेजी। जब कोई भी स्टेज पर नहीं आया तो मैंने अनिल सर से पूछा कि अगर आप मुझे परमिशन दें तो क्या मैं नेजी के साथ अपनी ट्रॉफी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें विनर मानती हूँ और उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे साई केतन राव की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड शिवांगी खेडकर ने इस पर रिएक्शन दिया था। फिनाले में जैसे ही सना का नाम लिया गया तो कोई भी उनके पास उठकर उन्हें बधाई देने नहीं आया। वो अकेले स्टेज पर खड़ी थी, जिसे देख लोगों ने ट्रोल कर कहना शुरू कर दिया था, वो जीत डिजर्व नहीं करती हैं, उन्हें शो के मेकर्स ने जिताया है। जिसके बाद साई केतन की गर्लफ्रेंड सना के सपोर्ट में आई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, ट्विटर पर जिस तरह से सना को नफरत मिल रही है वो गलत है। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी को वहाँ बैठे रहने के लिए कहा गया था। सना ने ट्रॉफी जीती, मेकर्स उनका रिएक्शन कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने हमें बैठे रहने के लिए कहा था। हम लोग उठकर नहीं गए, सिर्फ फैमिली को जाने के लिए कहा था। स्टेज पर किसी ने किसी को नफरत नहीं दी और हम सभी ने सना को बधाई दी। कोई ऐसा नहीं था जो सना की खुशी में खुश ना हो। गौरतलब है कि एक्टर रणवीर शौरी ने शो से बाहर आने के बाद हुई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो और अरमान मलिक सना मकबूल से कहीं ज्यादा डिजर्विंग विनर थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक।